बसमिल वरम वर्कू में मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अखबार बखैर वफ़ीयत होंगे आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और गोट फार्मिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और अहम है अल्लाह तबारक वाली ने पाकिस्तान को बेशुमार नम तुसे नवाज़ा है तो अलहमदिल्ला बकरियों की शानदार नस्लों के मामले में भी, भी कमी नहीं की जिनमें कुछ ख़ास नस्लें काबिल ज़िक्र हैं बीतल कामोरी पटेरी गुलाबी कपला जतन ब्रीड लोहरी ब्रीड है बरबरी टापरा टेडी ये सारी ब्रीडें जो हैं ना काबिल ज़िक्र हैं और पंजाब की अक्सर मंडियों में पंजाब या पर पंजाब या कराची की मंडी आप देख लें तो सारी जितनी भी मंडियां हैं उनमें ज़्यादातर नस्लें देखने को मिलती हैं सिवाय कोई एक आध नस्ल के बाकी तो सारी की सारी नस्लें हमें मंडियों में देखने की मिलती हैं पंजाब की अक्सर मंडियों में आप देख लें तो वहाँ पे माशाल्लाह से मखी चीनी ब्रीड हो गई राजनपुरी ब्रीड फैसलाबादी बीतल हो गई नागरा बीतल है सरगोदा के कजले और शिकारपुर के जनाब छतरे वगैरह ये भी देखने को मिलते हैं जो इस बात का सबूत है कि जी हमारे शौकीन दोस्त शौक़ की तस्किन के लिए फ़ासलों को भी खातर में नहीं लाते गुड फार्मिंग बकरी ये एक गुड फार्मिंग ये एक मुनाफे बख्श कारोबार है और वक्त के साथ साथ आजकल बकरे के गोश्त की मांग में इजाफा हो रहा है तो काफ़ी सारे दोस्त साहब आप की दिलचस्पी इस तरफ आती है कि जी गोड फार्मिंग की जाए गोड फार्मिंग हमें करनी चाहिए गोड फार्मिंग करना कोई आसान काम नहीं है गोड फार्मिंग करनी है तो कुछ मंसूबे के साथ गोड फार्मिंग करें किसी मकसद के तहत आप गोड फार्मिंग करें गोड फार्मिंग की मनसूबाबंदी की जाए तो जहन में जो सवाल आते हैं उनमें से सबसे अहम यह है कि जी बकरियाँ कहाँ से और कैसे खरीदी जाएँ लेकिन इससे पहले कि हम बकरियों की खरीदारी के बारे में सोचें हमें यह भी बंदी करनी चाहिए और हमें अपने मनसूबे में यह बात शामिल करना है कि जी हम गोट फार्मिंग किस मकसद के लिए कर रहे हैं आया कि हम गोट फार्मिंग जो कर रहे हैं यह गोश्त के लिए कर रहे हैं या दूध के लिए गोट फार्मिंग कर रहे हैं या ब्रीडिंग नस्ल अफजैश के लिए यानी अफजैश नस्ल के लिए या कर रहे हैं गोट फार्मिंग जब हम ये तय कर लें कि हम किस मकसद के लिए गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो अगला मरहल्ला सर्वे का है फिर सबसे पहले आप अपने इलाके में मौजूद गोट फार्मिंग करने वालों को तलाश करें और अगर कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसके फार्म का विजिट करें और अपने हमारा सवालनामा ज़रूर लेके जाए ताकि कोई बात रह ना जाए जैसे बकरियों की नस्ल के बारे में उनसे सवाल करें तादाद के बारे में पूछें पैदावार के बारे में पूछें चारे के हवाले से सवाल करें फीड की कीमत के बारे में पूछें फीड कहां से मंगवाते हैं इसके बारे में मालूम लें रिहायश वगैरह के बारे में मालूम लें उनसे तो ये सारी जो मालूम हैं उनसे लेने की आप कोशिश करें इन मालूम को हासिल करने के बाद आपको असल मनसूबा बनाना है कि जैसे नस्ल का इंतख्य जगह की दस्तियाबी शेड की तैयारी चारे की दस्तियाबी जानवरों को जानवरों की खरीदो फरोख्त चारा वगैरह फीड की खरीदो फरोख्त फीड की खरीद इन मालूमत को हासिल करने के बाद आपको असल मनसूबा बनाना है कि जैसे नस्ल का इंतब जगह की दस्तियाबी शेड की तैयारी हो गई चारे की दस्तियाबी जानवरों की खरीद चारा फीड वगैरह की खरीद दवाओं की खरीद खरीद हो गई पानी और चारे वाली खुरलियां वगैरह ये सारी की सारी चीजें ये आपने उनसे सीखनी है अगर इन अवामिल को मद्नजर रखते हुए गोड तो फार्मिंग की मनसूबा की जाए तो यकीन नुकसान के इमकान कम होंगे यह था जी आज का हमारा टॉपिक अगर कोई दोस्त मजीद अपने तजर्बे की बुनियाद पर इजाफा करना चाहे हमारी असला करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है अपना और अपने जानूनों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफि